हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ग्रामर की। ग्रामर में मैं सबसे पहले ले रही हूँ आप लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में 8 होते हैं, नेमली नाउन्स, प्रोनाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो आज इस सीरीज में हम सबसे पहले लेंगे नाउन्स। आपने बचपन से ही नाउन्स पढ़े होंगे और आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है कि नाउन्स को सिखाया जाए, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, नाउन्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कैट हो, मैट हो, जी मैट हो, हर जगह पे नाउन्स का यूज पूछा जाता है। सब जगह पे सब लोगों को बहुत करेक्ट नाउन्स का यूज पता होना चाहिए। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं नाउन्स। सबसे पहले तो कि नाउन्स कितने तरह के हैं। नाउन्स है कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटीरियल नाउन्स। कॉमन नाउन्स आपको पता है, नाउन तो सबसे पहले आपको पता है नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और एनीथिंग, यू नो दिस फैन इज अ नाउन, दिस बोर्ड इज अ नाउन, दिस बुक इज अ नाउन, दीज फ्लावर्स इज अ नाउन, स्पेक्टिकल्स नाउन। किसी भी चीज को हमने अगर नाम दे दिया तो वो हो जाती है संज्ञा यानी कि नाउन। अब नाउन्स सबसे पहले हम अगर देखें कॉमन नाउन्स, तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, कोई भी जनरल कोई भी चीज, एक टेबल, एक चेयर, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक बॉय और अ गर्ल, कुछ भी। तो ये हुआ कॉमन नाउन। फिर हमारे प्रॉपर नाउन्स पे, प्रॉपर नाउन मींस एनीथिंग स्पेसिफिक। एनी सिटी इज अ कॉमन नाउन, बट जयपुर सिटी इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, तो नेम गिवन टू एनी स्पेसिफिक थिंग बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। The rule that goes with common nouns is we use the article a. Jaipur is a city. Okay, proper nouns. Proper nouns, anything specific. I saw a girl walking on the road. The girl was wearing blue jeans and a red t-shirt. The girl is a student of Government Girls College. The girl is the monitor of her class. So now you have understood common and specific. Okay, third type of noun is collective noun. Collective noun होता है जब किसी group को कोई इकट्ठा refer किया जाता है. So that is a collective noun. A bouquet of flowers, a swarm of bees. इस तरीके से जो भी आर्मी ऑफ सोल्जर्स, कभी आपने सोचा है कि हम कैसे यूज करते हैं? सपोज आई गिव एन एग्जांपल, देयर वाज अ थेफ्ट इन द कॉलोनी एंड द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। इन जेएन के प्रॉब्लम एन आर्मी यूनिट इज डिप्लॉयड। आपने कभी सोचा कि पुलिस के साथ आर क्यों और आर्मी के साथ इज क्यों? आर्मी के साथ इज इसलिए क्योंकि आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ओके, ये एग्जांपल्स अभी मैं और बाद में लेती हूं आपसे, पर हम पहले आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं वो चीज जिसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म, साइज या शेप नहीं होती। जैसे कि शी इज पुअर और दे आर वेरी काइंड पीपल, सो दे आर वेरी काइंड। काइंड पीपल कहा तो काइंड हो जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि उसके पीछे लग गया नाउन पीपल, बट दे आर वेरी काइंड। ऐश्वर्या इज अ ब्यूटी, सो beauty, poor, kind, all these words become abstract nouns. All right, then we come to final material noun.
ना मटेरियल नाउन क्या होते हैं कि उनके साथ जो रूल है वो रूल ये है कि हम इनको प्लूरल में यूज नहीं करते. वी डोंट से दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. वी से द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. दैट्स द करेक्ट यूसेज. ओके सो नाउ फ्रेंड्स वी कम टू काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4. एंड अनकाउंटेबल लाइक मैनी मोर सच ये सब हुए अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके तो अब हम कुछ सेंटेंसेस पे देखते हैं कि क्या सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है. जैसे कि सपोज मैं कहूं आई टोल्ड दीज न्यूज टू माई फादर. सो द करेक्शन वुड बी आई टोल्ड दिस न्यूज टू माई फादर. ओके द टीचर गेव मी मैनी एडवाइसेस. द टीचर गेव मी गेव अस सम एडवाइस. ओके आई हैव अ 50 रुपीज नोट. नो आई हैव अ 50 रुपी नोट. शी हैज बॉट 2 dozens एप्पल्स. शी हैज बॉट 2 dozen एप्पल. वी नेवर से dozens एंड scores. वी से 2 dozen एप्पल्स. इसी तरह से फिश है डियर है ये बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं जो कि जैसे सीनरी मशीनरी डियर फिश ये सारे नाउन्स सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं. कुछ नाउन्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लूरल में यूज होते हैं जीन्स शूज सॉक्स इस शेड्स. बहुत सारे नाउन्स हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही यूज होते हैं. ठीक है इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कहूं शी लाइक्स टू फीड द पुअर्स बट नो शी लाइक्स टू फीड द पुअर. ही इज वर्किंग फॉर द ब्लाइंड्स. नो ब्लाइंड्स आर वेनेशियन ब्लाइंड्स एंड द रोलर ब्लाइंड्स. सो वी डोंट से देयर शी इज वर्किंग फॉर द ब्लाइंड्स. ही इज वर्किंग फॉर द ब्लाइंड. आई टोल्ड दिस न्यूज टू माई फादर. करेक्शन क्या होगा आई टोल्ड दिस न्यूज टू माई फादर. ओके सो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि कहाँ पे हमें वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाना है कहाँ प्लूरल फॉर्म लगाना है. जैसे कि काउंटेबल नाउन्स है. नाउ काउंटेबल नाउन्स में हम क्या करते हैं दे कैन बी काउंटेड एंड फॉर्म प्लूरल्स टू इट एसोसिएट्स विद प्लूरल वर्ब्स इन अ सेंटेंस. ऑलराइट फॉर एग्जांपल वी से आई नीड टू बाय 4 new suitcases फॉर माई ट्रिप. नाउ सूटकेस एंड सूटकेसेस द मोमेंट यू एड एस इट बिकम्स प्लूरल सूटकेसेस. जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड हैव ओनली अ सिंगुलर फॉर्म. दीज नाउन्स यूज सिंगुलर वर्ब्स इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल वी से द फर्नीचर वॉज डैमेज्ड इन द रेन. वी डोंट से द फर्नीचर्स वर डैमेज्ड इन द रेन. ओके बिकॉज फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड देयरफॉर वी यूज द सिंगुलर वॉज. ओके सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन्स को हम कैसे यूज करते हैं. नाउन्स के साथ कुछ रूल्स हैं. रूल ये है कि प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. जैसे कि हमने कहा कि शी इज दी लता मंगेशकर ऑफ हर कॉलेज. ओके शी इज दी लता मंगेशकर ऑफ हर कॉलेज. लेकिन द मोमेंट आई से देर आर 4 Lata Mangeshkars in the college. It means that there are 4 girls in the college who sing as well as Lata Mangeshkar does. Whereas Lata Mangeshkar is a proper noun. She is only one. Okay. One and only rather. Okay. So we say there are 5 Sachin Tendulkars in the college. That means 5 boys in the college who play cricket like Sachin Tendulkar does. Okay. इसी तरीके से रूल है एक कि कलेक्टिव नाउन सिर्फ सिंगुलर में यूज होता है
ये मैं आपको बता चुकी हूं. फॉर एग्जाम्पल, द जूरी इज इन द कोर्ट रूम एंड द जूरी आर स्टिल डिबेटिंग द केस. इसी तरह से अगर हम नाउन के पहले आर्टिकल यूज कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ऐश्वर्या इज अ ब्यूटी. नाउ ऐश्वर्या इज अ ब्यूटी, हमने क्या किया कि इस नाउन के आगे हमने आर्टिकल ए प्लेस कर दिया, सो इट बिकेम अ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसी तरीके से मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन की का रूल है कि हम इसको प्लूरल में यूज नहीं करते, इसे हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं. और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द बिल्डिंग इज नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. और जैसे कि नाउन्स एंड प्रोनाउन्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई देमसेल्व्स टू शो पोजेशन. पोजेसिव नाउन्स होते हैं. अब पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? जिसमें कि हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. ओके, तो ये अपोस्ट्रोफी वाला, जैसे हमने लगाया, चलिए मैं आपको दिखा ही देती हूं. अपोस्ट्रोफी जब हम लगाते हैं तो इसमें बड़े लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अपोस्ट्रोफी को कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए. तो ये आज मैं आपको दिखाती हूं लिख करके. अगर मैंने कहा बॉयज हॉस्टल, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने बॉयज में अपोस्ट्रोफी वाई के पहले, वाई के बाद लगा दिया, तो ये क्या हुआ? सिंगल बॉयज हॉस्टल, एक ही बॉय का हॉस्टल. लेकिन अगर हमें बताना है कि इट्स ऑल बॉयज हॉस्टल, तो हम कहां लगाएंगे अपोस्ट्रोफी? हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस के बाद, ऐसी. ये लगाया तो ये करेक्ट होता है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स कॉमन रूम. ओके, लेडीज पार्लर. अब हमने, आप ये देखिए, लेडीज जो वर्ड है ये एस से खत्म हो रहा है, तो अब हम लेडीज़ तो नहीं बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम अपोस्ट्रोफी यहां पे लगाएंगे, विच मीन्स वी आर सेइंग दैट लेडीज इन प्लूरल एंड हूज पार्लर, लेडीज पार्लर. कई बार हम दो लोगों के लिए कहते हैं, सीता एंड गीता, सीता एंड गीताज पार्लर. अब ये बताइए, देखिए सीता एंड गीता, अगर हमें कहना है कि सीता और गीता सेम पार्लर में काम करती हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे सेकंड नेम के बाद, हूज पार्लर, सीता एंड गीताज पार्लर. ओके, अगर हमने दोनों पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया, मान लीजिए हमने ये कर दिया सीताज एंड गीताज पार्लर, तो क्या होगा? दोनों अलग अलग पार्लर्स में जॉब करती हैं, सीता अलग और गीता अलग. लेकिन अगर हमने दोनों का एक ही कहा, तो ये होगा सीता एंड गीताज पार्लर. ओके, तो इस तरीके से लंबे वर्ड्स भी होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी होते हैं. फादर इन लॉज हाउस, हूज हाउस? फादर इन लॉ. अब अपोस्ट्रोफी कहां लगेगा इसमें? यहां पे. हूज हाउस? फादर इन लॉज हाउस. ओके, कमांडर इन चीफ्स ऑफिस, तो अपोस्ट्रोफी लगा एफ के बाद, चीफ्स. ओके, सो आई होप काफी आज नाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया है. और हम अगली क्लास में जब मिलेंगे, तब मैं आपको प्रोनाउंस के बारे में और प्रोनाउंस के रूल्स के बारे में बताऊंगी. तब तक के लिए बाय बाय.